गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। प्रीवियस क्लास में हमारा 10.3 मेजरमेंट चैप्टर चल रहा था, वो हो चुका था। आज 10.4 एक्सरसाइज ऐड, क्या करना है इसको हमें ऐड करना है। तो यहाँ देखेंगे मीटर वाले डिजिट्स इधर है, सेंटीमीटर इधर है, तो आपको ये याद रखना है। ये देखिए यहाँ पर तो डिजिट के नीचे डिजिट होना चाहिए, भले ही ये खाली हो जाए कोई बात नहीं। ओके, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट हैंड से स्टार्ट करना है। ओके, तो 0 और 8, 8 और 5, 8 5 13, 1 3, सॉरी 1 इधर कैरी, 9 और 1 10, 4 14 का 4, 1 इधर कैरी लगाएंगे, 1 और 6 7, और 7 14, 14 और 5 19 का 9, 1 इधर कैरी लगाएंगे, 1 और 5 6, और 1 7। तो आपका आंसर क्या आ गया, तो टोटल आंसर क्या हो गया आपका, 79 मीटर 43 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। ओके, ऐसे ही इसको करना है 0 5। देखिए आप डिजिट यहाँ पे खाली है, लेकिन आपको स्टार्ट यहाँ से करना है। अगर हमने एमजी वाला लिखा तो यहाँ से स्टार्ट किया है, ये खाली। ग्राम वाले लिखा तो यहीं से स्टार्ट करना है आपको, और प्लस भी हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। 5 का 5 5 2 7, और 5 12 का 2, 1 इधर कैरी लगा देंगे, 1 और 7 8, और 1 9, और ये क्या है, 4 8 12, 12 और 5 17 का 7, 1 इधर कैरी लगा देंगे, 6 और 1 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18। तो हमारा क्या आ गया, 187 ग्राम एंड 925 mg। ओके, तो ये दो क्वेश्चन आपको प्लस करने हैं खुद। सेकंड देखेंगे, ऐड द फॉलोइंग। तो हमें क्या करना है, इसको 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 ऐड करना है। तो कैसे करेंगे हम, इसको पहले कॉलम में अरेंज करेंगे और उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। तो चलिए मैं पहले लिख लेती हूँ कि कितना, 34 मीटर 80 सेंटीमीटर, एंड सेकंड है 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, एंड थर्ड है 10 मीटर 48 सेंटीमीटर। तो आप इधर देखेंगे मैंने मेजर्स इधर लिख लिए हैं। अब इसको किस में है, ये मीटर और सेंटीमीटर में, तो आप इधर मीटर और इधर सेंटीमीटर लिखेंगे। तो लिखते हैं चलिए मीटर और सेंटीमीटर, 0 8 सेंटीमीटर 80 हो गया, और मीटर 34। ओके, 75 सेंटीमीटर और 6 मीटर। तो याद रहे मैं इधर लिखूंगी 6, इधर नहीं लिखूंगी 6, किधर लिखना है, इधर लिखना है गिनती के नीचे। 10 और 48 है, तो 48 क्या है, सेंटीमीटर, 10 क्या है, मीटर, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, ऐड करना है, इसलिए हम इसको ऐसे प्लस करेंगे। 5 और 8 13 का 3, 1 कैरी, 8 और 1 9, 9 और 7 10 और 6 16, और 4 20 का 0, 2 इधर कैरी लगा देंगे, 2 और 4 6, और 6 12 का 2, 1 इधर कैरी, 3 4 एंड 1 5। तो इसका आंसर क्या आ गया, 52 मीटर और 3 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। इजी है ना करने में। इसी का मैं एक और क्वेश्चन बी बता देती हूँ। बी क्या है आपका, अभी देखेंगे ये किसमें, इसका मेजर लीटर और मिलीलीटर में, 48 लीटर 50 ml। तो ऊपर हम क्या डालेंगे ऐड करने से पहले, लीटर और मिलीलीटर। ये देखिए मैंने मेजर इधर लिख लिए सारे इसके, तो इधर मैं एल लिखूंगी, एल फॉर लीटर, एम फॉर मिलीलीटर। तो फर्स्ट डिजिट लेते हैं, 50 मिलीलीटर है और 48 लीटर है, 25 ml है और 32 लीटर है। अब इधर देखिए 425 है, तो 5 यहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ देखिए मिलीलीटर में क्या है, 425, तो लेकिन मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगी, 5 2, और ये 4, क्योंकि ये ml है तो ml में ही आना चाहिए, लीटर में नहीं जाना चाहिए नंबर। ओके, अब लीटर में आ जाएंगे इधर। अब इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 5 और 5 10, ऊपर 0 है तो 10 रहेगा, 1 इधर कैरी लगाएंगे, 5 6 7 8 9 10, 10 का 0, 1 इधर कैरी लगाएंगे, 4 और 1 5, 8 और 2 10, और 6 16 का 6, 1 इधर कैरी लगाएंगे, 4 और 3 7, और 1 8 और 1 9। तो इसका आंसर क्या हुआ, 96 लीटर 500 ml, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको कॉलम में अरेंज करना है और उसके बाद आपको प्लस करना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, 2 मैंने कर दिए हैं।
ये तीन आपको होमवर्क में करने हैं। वैसे इसमें केजी और ग्राम लिखेंगे, इसमें भी केजी ग्राम लिखेंगे, किलोमीटर और मीटर लिखेंगे, तो मीटर के नीचे मीटर के डिजिट्स, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर के डिजिट्स, और उसके बाद आपको ऐड करना है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखेंगे आप। थर्ड हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। दे दिया गया है जीरो में से एट तो जाएगा नहीं, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आई होप सबको ही आता होगा। तो क्या करेंगे हम, इससे कैरी लेंगे, टेन हो गया, टेन में से टू सब्ट्रैक्ट कर एट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, टू बचेगा। यहाँ क्या था, फाइव, क्योंकि सिक्स था, इसने वन इसको कैरी दे दिया था ना, तो ये टेन हो गया था, तो टेन में से एट सब्ट्रैक्ट किया टू, फाइव में से नाइन तो जाएगा नहीं, सेम ये इससे कैरी ले लेगा, और इसके पास क्या बचेगा, सेवन। तो आप क्रॉस करके ऊपर ऐसे ऐसे नंबर लिख देंगे, फिफ्टीन में से नाइन सब्ट्रैक्ट किया सिक्स, सेवन में से फोर सब्ट्रैक्ट किया थ्री, सेवन में से नाइन तो जाएगा नहीं, ये इधर आ जाएगा, सेवनटीन में से नाइन सब्ट्रैक्ट करेंगे डायरेक्ट, तो क्या बचेगा, एट। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 83 मीटर 62 सेंटीमीटर। ओके, अब यहां देखिए, अब ये कैसे सब्ट्रैक्ट करें, तो हम यहां पर जीरो लगा लेंगे, किसी भी नंबर से पहले अगर हम जीरो लगाएंगे तो वैल्यू क्या होगी उसकी, सिक्स ही रहेगी, सिक्स रहेगी ना वैल्यू, अभी मैंने यहां लगाया तो भी ये सिक्स की ही वैल्यू है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, सिक्स में से टू माइनस किया फोर, अब जीरो में से फोर तो जाएगा नहीं, ये इससे भी नहीं जा सकता, तो ये इससे कैरी ले लेगा, ये हो जाएगा सेवन, अब ये क्या हो गया, टेन हो गया, तो ये वन इसको दे देगा और ये खुद नाइन हो जाएगा। टेन में से फोर सब्ट्रैक्ट किया सिक्स, नाइन में से थ्री माइनस किया सिक्स, सेवन में से नाइन तो जाएगा नहीं, ये इससे कैरी ले लेगा, सेवनटीन हो गया, सेवनटीन में से नाइन सब्ट्रैक्ट करेंगे एट, यहाँ क्या था, सिक्स में से वन माइनस करेंगे फाइव, तो क्या आया, फिफ्टी एट किलोमीटर 664 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है, सीओडी। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, इसमें क्या करना है आपको, इसमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ml वाला और लीटर वाला ऐसे ही लिखेंगे आप, थ्री देखते हैं, ये क्या है आपका 179 लीटर 244 ml माइनस 98 लीटर 798 ml। तो चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, लीटर और ml, तो लीटर वाले लीटर के नीचे 179 244, ओके 897, 8 और 9। तो आप क्या करेंगे, 4 में से 8 तो जाएगा नहीं, ये इससे कैरी ले लेगा, ये क्या हो जाएगा, 14 हो गया, 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, यहाँ क्या बचा था, थ्री, थ्री इससे कैरी ले लिया, थर्टीन हो गया, थर्टीन से नाइन माइनस किया फोर, अब यहाँ क्या बचा था, वन, क्योंकि इसने इसको कैरी दे दिया था और इसने इसको कैरी दे दिया, तो सब्ट्रैक्ट हम ऐसे ही करते हैं, तो वहाँ यहाँ वन बचा था, तो इसने इससे कैरी ले लिया, इलेवन हो गया, इलेवन से सेवन माइनस किया फोर, अब यहाँ क्या बचा था हमारे पास, एट, क्योंकि इसने इसको कैरी दे दिया था, एट में से एट सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो, सेवन में से नाइन जाएगा नहीं, पूरा सेवनटीन से करेंगे, सेवनटीन से नाइन सब्ट्रैक्ट किया एटी, तो इसका आंसर क्या आया, एटी लीटर और 446 ml। इस तरीके से आपको ये पूरा क्लियर लिखना है। चलिए, तो आई होप ये पूरा आप कर लेंगे, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है, मैंने इधर भी बता दिया, तो ये आपको 10.4 के ये सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। और ये लास्ट एक्सरसाइज है आपकी 10.5, वर्ड प्रॉब्लम है, तो किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जो वर्ड प्रॉब्लम है आपको किस तरीके से करनी है, जैसे हम वर्ड प्रॉब्लम आज तक करते हुए आए हैं, वैसे ही सभी में इसमें होगा। आज वेलर मेड फोर गोल्ड ऑर्नामेंट वेटिंग फोर ग्राम 200 mg 515 ग्राम, यानी कि अजवेलर जो है उसने कितने ऑर्नामेंट्स बनाए, फोर अलग अलग वेट के, तो व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द फोर ऑर्नामेंट्स, तो हमें टोटल बताना है, तो आपको स्टेटमेंट पहले लिखना है। तो वेट ऑफ फर्स्ट ऑर्नामेंट 14 ग्राम 200, वेट ऑफ सेकेंड ऑर्नामेंट्स, वेट ऑफ थर्ड ऑर्नामेंट्स एंड वेट ऑफ फोर्थ ऑर्नामेंट्स, सब आपको उसमें दिया हुआ है। फिर आपको क्या करना है, 100 ग्राम के नीचे ग्राम और mg के नीचे mg, तो mg को मैंने टोटल किया 0, 0, 9, 9, 18, 19, 20 और 7, 27 का 7, 2 इधर कैरी, 5 और 4, 9, 10, 11, 11 और 9, 20 और 5, 25 का 2 इधर कैरी, 1, 1, 2 और 4 आ गया, तो इसका टोटल वेट ऑफ द फोर ऑर्नामेंट्स 45 ग्राम m एंड 700 mg। एंड थर्ड है आपका, एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो ये आपका वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। सेकंड है आपका, अमर
बाउ 50 kg 500 g ऑफ शुगर फ्रॉम वन शॉप एंड 40 kg एंड 750 g ऑफ शुगर फ्रॉम अनदर शॉप. हाउ मच शुगर डिड ही बाय? तो आपको क्या लिखना है, पहले इसका स्टेटमेंट लिखना है. अमर बाउट शुगर फ्रॉम वन शॉप इक्वल्स टू इतना, ही बाउट अनदर शॉप इतना. सो आपको क्या करना है, केजी के नीचे केजी की डिजिट, ग्राम के नीचे ग्राम वाली डिजिट. तो 56 एंड 500 g, 48 kg एंड 750 g. तो इधर आ गया, अब इसको आपने प्लस कर दिया तो हमारा टोटल शुगर ही बाउट 105 kg एंड 250 g. तो ये आपका वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया. तो इसमें आपको 4 and 6 होमवर्क में कंप्लीट करना है. ओके इसी के साथ आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता है. तो जितना भी मैंने करवाया 6 to 10 आपका सेकेंड टर्म के सिलेबस में आएगा. ओके बाय, टेक केयर.